अब यूजेस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू फोलिक एसिड का यूज़, सबसे पहला ऑब्वियसली वेरी गुड एक्सीलेंट अगर आप लोगों ने बताया, इट्स ब्यूटिफुल मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, सबसे कॉमन यूज़ फोलिक एसिड विटामिन B12 को साथ में देते हैं इन द केस ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक, दिस कैन बी ड्यू टू वॉट, सबसे पहला इट कैन बी ड्यू टू न्यूट्रिशनल फोलेट डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल फोलेट डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल फोलेट डिफिशियंसी। ठीक, उसके बाद बी सब पार्ट में इंक्रीज्ड फोलेट डिमांड, इंक्रीज्ड फोलेट डिमांड। ठीक, सी में माल अब्सॉर्प्शन, माल अब्सॉर्प्शन। डी फैक्टर जो होता है दैट कैन बी एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी, एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी। ठीक, एंटी एपिलेप्टिक थेरेपी हो सकता है। ठीक, ये तो हो गया एक यूज मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। इसके अलावा वी कैन गिव इट इन द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ फोलेट डिफिशियंसी, कब होता है, वेरी गुड एक्सीलेंट, प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, प्रोफाइलैक्सिस ऑफ फोलेट डिफिशियंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन द न्यूबॉर्न, उसका रिस्क कम करने के लिए। ठीक है, तीसरा फोलिक एसिड का रेडीमेड फॉर्म आता है मीथोट्रिक्सेट, आपको पता है इट बेसिकली कॉजेज इनहिबिशन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ये बेसिकली करता क्या है एंजाइम, इट ब्रिंग्स अबाउट द कन्वर्जन ऑफ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक, ये कन्वर्जन हो गया बाय DHFRAs, दिस इज इनहिबिटेड बाय मीथोट्रिक्सेट, दिस इज इनहिबिटेड बाय मीथोट्रिक्सेट। तो अगर मीथोट्रिक्सेट इसको इनहिबिट करेगा, हम खाते डाइट में जो लेते हैं दैट इज डाईहाइड्रोफोलिक एसिड, तो अभी तक तो कोई टेंशन नहीं क्योंकि हमारे बॉडी में डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम है सफिशियंट क्वांटिटी में, जो कि डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड उसका एक्टिव फॉर्म बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मीथोट्रिक्सेट दिया, एंटी कैंसर ड्रग, इम्यूनो सप्रेसेंट की तरह भी दे सकते हैं, अब उसमें क्या प्रॉब्लम हुआ, ये कन्वर्जन नहीं हुआ, तो अब डिफिशियंसी हो जाएगी फोलिक एसिड, क्योंकि जो एक्टिव फॉर्म फोलिक एसिड का होता है वो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड होता है, दिस इज द एक्टिव फॉर्म। तो जब ये एक्टिव फॉर्म ही नहीं बनेगा तो अब डिफिशियंसी होगी, तो हमको देना पड़ेगा, और जो एक्टिव फॉर्म होता है इसका उसका क्या नाम होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, MCQs में आता है, इसको फोलिनिक एसिड कह सकते हैं, ल्यूकोवोरिन कह सकते हैं, ल्यूकोवोरिन, ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू आपने सुना होगा, ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू, या फिर सिट्रोवोरम फैक्टर रेस्क्यू, सिट्रोवोरम फैक्टर रेस्क्यू, ल्यूकोवोरिन रेस्क्यू, सिट्रोवोरम फैक्टर रेस्क्यू थेरेपी। इसका नाम क्या होता है, बेसिकली दिस इज नथिंग बट 5-formyl टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, 5-formyl टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फोलिक एसिड को कभी भी अकेले मत देना मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के मरीजों को, क्यों, टू इंपॉर्टेंट रीजंस, पहली बात फोलिक एसिड ले ली सो क्या होगा, एनीमिया के सिम्टम्स तो इंप्रूव हो गए विदाउट अफेक्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट ऑफ विटामिन B12, जो विटामिन B12 की वजह से प्रॉब्लम है वो तो करेक्ट हुई नहीं ना, सो डिफेक्ट कैन प्रोग्रेस एंड इट कैन बिकम इरिवर्सिबल। दूसरा, देर इज डाइवर्जन ऑफ जो थोड़ा बहुत B12 बचा भी था बॉडी में जो हिमाटोपोइसिस कर रहा था, मतलब हिमाटोपोइसिस के लिए ज़रूरी होता है, सो अब फोलिक एसिड है नहीं, फोलिक एसिड हिमाटोपोइसिस करेगा, रेड ब्लड सेल्स फॉर्म करेगा, अब फोलिक एसिड है नहीं, तो बॉडी क्या करेगी, बॉडी B12 को बोलेगी जो थोड़ा बहुत B12 बचा है तुम भी आके हिमाटोपोइसिस करो, अब क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, इट कैन रिजल्ट इन ग्रॉस वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स, मतलब कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, मतलब एक तो ऐसे ही न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो रहे हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साथ ही साथ अगर आपने फोलिक एसिड को अकेले दिया तो अब क्या हुआ, फोलिक एसिड तो
हो ही नहीं रहा, मतलब जो विटामिन बी ट्वेल्व बचा है देर इज डाइवर्जन ऑफ, जो बी ट्वेल्व बचा है वो हेमाटोपोइसिस में चला गया, तो अब और ज़्यादा वर्सनिंग ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट्स हो जाएगा।